मकसद किसी भी भोजपुरी लवर की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियस बिल्कुल भी ना लें, इसके मजे ले। धन्यवाद। तो और कैसी चल रही है आप लोग की जिंदगी? भाई भाई बस बहुत तूने गांठ फाड़ ली। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आज मेरी बारी है, बहुत तूने गला फाड़ ली। तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरिया सॉन्ग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमरा चाहे रछौनी ओ ओ ओ न्यू भोजपुरी सुपर हिट सॉन्ग। मन अपना रोका पे जो तू 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 हमरा चाहे रछौनी ओ ओ ओ। अच्छा चाहे रछौनी ओ ओ ओ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इसको चाहिए क्या। अच्छा हाँ, इसको इसी की जरूरत है। अब आते हैं हमारे हीरो के ऊपर। ये बंदर की प्रजाति 100 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आजकल इंसानी भड़ुए के रूप में नजर आती है। गली के कचरे उठाने वाले आंटी को देख कर ये ऐसी हरकत करते हैं। एक बार तो लोगों ने इसकी घर में बंद कर कर पिटाई की, लेकिन ये सांप फिर से जहर उगल दिया। मैं तो नहीं मानता ये सब। यार मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा इंडिकेटर का बात कर रहा है, पर हाँ मुझे ये पता है कि हमारे देश में 98% यही लोग होते हैं जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, जो कार चलाते वक्त ये इंडिकेटर के अलावा ये इंडिकेटर देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो रहन दो फिर। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि भोजपुरिया इंडस्ट्री में लड़का लड़की अंकल आंटी बूढ़े ही हरामी होते हैं सिर्फ, और बच्चे तो संस्कारी होंगे ही। मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भी भरम टूट जाएगा। किस थर्मामीटर का बात चल रहा है? क्या कहना चाह रहे हो? कौन हो तुम? चौदह साल का है ये लौंडा। बहनचोद बात सुनो इसकी। लगा के थर्मामीटर, थर्मामीटर लगाने ने इसने पीएचडी कर रखी है। वैसे तो इससे पैंट का हुक नहीं लगता है। और अगले गाने में तो बकचोदी की सारे हद ही पार कर दी। हमरा साली के चोरी में भैया दुगो आइटम बॉम्बा। अबे साले नहीं यार, इस शानदार गाने के लिए हमरा साली के चोरी में भैया दुगो आइटम बॉम्बा। हमारे सस्ते जय देवगन के लिए मुट्ठी मार मार के मुठ्ठल सलाम ठोकना चाहिए। और इस अजय देवगन का सस्ती कॉपी का एक और दिल को धोखा देने वाला गाना भी है। जिस हिसाब से इसके शरीर को टीबी और हवासीर की बीमारी ने एक साथ जकड़ा हुआ है ना, इसकी मुट्ठी मारने की भी औकात नहीं है। और भाई साहब कौन सा शॉट लगाने की बात कर रहे हैं? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इस हड्डी के ढांचे को देखने के लिए इतने बावले क्यों हो रहे हैं। मानो सामने ओम प्रकाश मिश्रा आंटी की घंटी बजा रहा हो। तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने भी भोजपुरिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। उनका पहला गाना है लहंगा लखनऊ फुल एचडी वीडियो। अरे ना होई खेसरिया के ये फकीरी है। कौन हो भाई, मुझे मारो बहनचोद। मैंने भी ये वीडियो बनाया है ना साले, शर्म कर, 1.2 मिलियन इस पे व्यू भी चला गया। ऐसे भाई जिसने भी ये वीडियो बनाई है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बहनचोद।
यार बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारो यार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।